अगला शासक है आपका राव राव जोधा राब जोधा राव जोधा के अगर हम शासन काल की बात करें तो 1438 से माना जाता है और 89 तक ठीक है राव जोधा का जो शासन काल है वो चौदह सौ अड़तीस से लेकर एट्टी नाइन तक माना जाता है हालांकि ये जो राव जोधा है गद्दी पर बैठा था चौदह सौ अट्ठावन में कब बैठा था चौदह सौ अट्ठावन में बैठा था लेकिन ये बीस साल का जो इसका संघर्ष है वो भी इसके अः राज्य के साथ ही इसके शासन काल के साथ ही गिना जाता है ठीक है कैसे संघर्ष है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी ठीक है सबसे पहले तो लाडलो राव जोधा के हम पिता के बारे में बात करेंगे पिता राव जोधा के पिता का नाम था राव रणमल क्या नाम था राव रणमल इनकी जो माता है माता माता का नाम है कोडम दे क्या नाम है कोड़म दे ठीक है राव जोधा की जो माता है उनका नाम क्या है कोड़म दे ठीक है यहां तक की बात हो गई एक इनकी पुत्री है जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पुत्री पुत्री का नाम है इनकी का श्रृंगार देवी नाम है श्रृंगार देवी और इसी श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था मेवाड़ के रायमल के पुत्र यानी कि मेवाड़ के कुंबा ठीक है महाराणा कुंबा के पुत्र पुत्र रायमल के साथ में ठीक है रायमल के साथ विवाह हुआ था इनका ठीक है? हाँ, जब चौदह सौ त्रेपन की आवल बावल की संधि होती है उसके तहत मेवाड़ से घनिष्ठ संबंध करने के लिए इस राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह और मेवाड़ के राणा रायमल के साथ में कर दिया था एक बात करेंगे हम इनकी बुआ ठीक है बुआ बुआ का नाम क्या है हांसा भाई क्या नाम है बाई ठीक है और बाई का जो विवाह है वो किसके साथ में हुआ था लाखा के साथ में हुआ था मेवाड़ के लाखा के साथ में बाई का विवाह हुआ था और इन्हीं से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया था मोकल क्या नाम रखा गया था मोकल रखा गया था ठीक है जो कि महाराणा कुंभा के क्या थे पिता थे क्या थे पिता थे ठीक है अब देखिए इसी हंसाबाई के नेतृत्व में हंसाबाई के नेतृत्व में चौदह में अच्छा उससे पहले बात करते हम हुआ क्या था 1438 में 1438 में कुंबा ने कुंबा ने जोदा के पिता रणमल की क्या कर दी थी हत्या क्या कर दी थी रणमल की हत्या कर दी थी ठीक है अब ये राणा कुंबा इस जोधा को भी मारना चाहता था ठीक है लेकिन जोधा भाग करके कहा गया था जोधपुर आ गया था कहा जोधपुर जोधपुर में कौन सी जगह पर मंडोर कौन सी जगह पर मंडोर ठीक है यानी कि 1438 में मंडोर जो कि जोधपुर की, की राजधानी थी मंडोर पर मंडोर पर कुंबा ने अधिकार कर लिया था किसने कर लिया था कुंबा ने अधिकार कर लिया था 1438 में ठीक है 1438 में ही कुंभा ने अधिकार कर लिया था और यहां राणा कुम्मा ने अपने ताऊ जिनका नाम था राणा चूडा क्या नाम था राणा चूडा ठीक है राणा चूड़ा वह अक्का सिसोदिया अक्का सिसोदिया राणा चूडा ने यहां पर अधिकार किया अक्का सिसोदिया और एक और था हिंगोला आहाड़ा हिंगोला आहाड़ा इनको यहां पर नियुक्त कर दिया अक्का अहाड़ा को यहां पर क्या कर दिया नियुक्त कर लिया कुम्मा ने भेजा था अपने ताऊ को कि ताऊ जाओ जाकर के आप यहां मंडोर पर अधिकार कर लीजिए अब चौदह से लेकर और चौदह तक ठीक है चौदह से लेकर के चौदह तक ये राव जोधा ऐसे ही घूमता रहा बिना राज्य के ही घूमता रहा फिर बाद में चौदह में लड़ लो चौदह में आवल बाबल की संधि होती है कौन सी होती है आवल बाबल की संधि आबल बाबल की संधि होती है ठीक है चौदह सौ तिरपन में क्या हुई आबल बाबल की संधि हुई जिसके आ, किसके नेतृत्व में हुई थी हंसाबाई के नेतृत्व में हुई थी और इसमें मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया क्या किया गया मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था और सोजत को किसको सोजत को ठीक है सोजत को जो कि वर्तमान में भी कहां पड़ता है पाली में सोजत को क्या बनाया गया केंद्र बिंदु बनाया गया था इस तरीके से हांसाबाई के सहयोग से क्या हुआ था मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हो जाता है और इसी के तहत इसी के तहत राव जोधा को अपना राज्य वापस मिल जाता है लेकिन जब मारवाड़ की ख्यात पढ़ते हैं ठीक है मारवाड़ की ख्यात पढ़ते हैं तो उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राव जोदा ने अक्का सिसोदिया और हिंगोला आहाड़ा को हरा करके मंडोर पर वापस अपना अधिकार प्राप्त किया था ठीक है मंडोर पर वापस अपना अधिकार प्राप्त किया था यह मारवाड़ की ख्यात है उनके अनुसार ऐसा सुनने को मिलता है ठीक है चलिए यहां तक की बात आ जाती है फिर चौदह में क्या हुआ लाड़ लो चौदह में मंडोर दुर्ग में ठीक है मंडोर दुर्ग वर्तमान में भी जोधपुर में ही पड़ता है मंडोर दुर्ग में मंडोर दुर्ग में जोधा का राज्याभिषेक हुआ था क्या हुआ था जोधा का राज्याभिषेक ठीक है जोधा का राज्याभिषेक हुआ था यानी कि 1438 से लेकर के अट्ठावन तक 20 वर्ष तक का जो समय था ये राव जोधा अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा चौदह में आकर के ये क्या है मारवाड़ की गद्दी पर बैठता है कहां बैठता है मारवाड़ की गद्दी पर बैठता है फिर इसके बाद में तेरह मई ठीक है तेरह मई चौदह सौ को ठीक है तेरह मई चौदह सौ को राब जोधा ने क्या किया ने, ने जोधपुर नगर बसाया क्या बसाया जोधपुर नगर बसाया ठीक है जोधपुर नगर बसाया था जो वर्तमान का जोधपुर जिला है उसकी स्थापना की थी इसके साथ में यहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनवाया क्या बनवाया मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया ठीक है और अपनी राजधानी ठीक है यानी कि राजधानी अभी कहां चल रही है इनकी मंडोर ठीक है मंडोर से अपनी राजधानी को लेकर के राजधानी को कहां ट्रांसफर कर दिया मेहरानगढ़ में ट्रांसफर कर दिया ठीक है अब यहां मेहरानगढ़ में अपनी राजधानी बना ली और इस मेहरानगढ़ दुर्ग के नीम रख दी इसने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था इसी के तहत यहां पर अपनी कुल देवी जिसका नाम है नागडेची माता क्या नाम है नागडेची माता मंदिर का भी यहां पर इसने निर्माण करवाया था ठीक है मेहरानगढ़ दुर्ग में तो ये तीन काम इसने कर लिए थे तेरह मई चौदह सौ उनसठ को राबजोदा ने जोधपुर नगर की स्थापना की मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी और अपनी राजधानी भी मंडोर से कहां ट्रांसफर कर दी इसने जोधपुर मेहरानगढ़ जोधपुर में अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी ठीक है चलिए इसके अलावा राव जोधा को राव जोधा को मारवाड़ में मारवाड़ में सामंत प्रथा का सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वास्तविक संस्थापक शब्दों पर ध्यान देने वाली बात है कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है क्योंकि राब जोधा ने यह चीज देख ली थी कि भाई जो इनके पूर्वज गलती करते हुए आ रहे थे वो नहीं करनी एक तरीके से सामंत व्यवस्था को संचालित करना पड़ेगा इसी कारण मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो कौन है रावजोदा कौन कहा जाता है राबजोदा ठीक है अब देखिए राव के दो पुत्र थे जिसमें बड़ा पुत्र था बड़ा पुत्र जिसका नाम था राब बीका क्या नाम था राब बीका अब इस बीका को यह उत्तराधिकार से वंचित कर देता है कौन कर देता है उत्तराधिकार से वंचित कर दिया ठीक है उत्तराधिकार पद से वंचित कर दिया बड़ा पुत्र था और जो छोटा पुत्र था छोटा पुत्र छोटा पुत्र जिसका नाम था राव सातल देव। क्या नाम था राव सातल देव। इसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्या कर दिया उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था जबकि बड़ा पुत्र जो कि उत्तराधिकारी था राव भी का उसे उत्तराधिकार पद से वंचित कर देता है क्योंकि भैया देखो राव जोधा की एक पत्नी थी जिसका नाम था जसमादे क्या नाम था जसमादे हाड़ी रानी जसमादे बड़ी गजब की सुंदर हुआ करती थी उसी के कहने पर और वो सातल देव उसी का बेटा था जसमादे का बेटा था इसी जसमादे के कहने पर ही इसने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकार पद से वंचित करके और छोटे पुत्र सातल देव को क्या कर दिया उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया रात बीका मारवाड़ छोड़ करके चला जाता है जंगल प्रदेश में और वहां पर अपने नाम पर एक नगर बसा करके बीकानेर नगर बसा करके और नए राज्य का संचालन करता है ठीक है आप जोधा की जो पत्नी है ठीक है जिसका नाम है जसमादे क्या नाम है जसमादे ठीक है जसमादे ने आ, इसकी पत्नी जसमादे ने एक तालाब का निर्माण करवाया था जोधपुर में ही क्या करवाया तालाब का निर्माण जिसे हम रानी सर तालाब कहते हैं क्या कहते हैं रानी सर तालाब कहते हैं इसका निर्माण पत्नी जसमादे द्वारा करवाया गया था ठीक है इनकी माता माता का नाम है कोडम दे क्या नाम है कोडम दे इस कोडम दे के नाम पर अपनी माता के नाम पर एक नगर बसाया था इसने राव जोधा ने जिसका नाम रखा गया था क्या नाम रखा 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 गया 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 था था क्या नगर था जो कि किसके नाम पर बनवा गया था इनकी माता अपनी माता कोडमदे के नाम पर और ये कोडमदेसर कहां पड़ता है बीकानेर में पड़ता है लाडलू कहां पड़ता है बीकानेर में और इसी कोडमदेसर में एक बाबड़ी बनवाई जिसका नाम रखा गया कोडमदेसर बाबड़ी क्या नाम रखा गया कोडम देसर बाबड़ी रखा गया और यह कोडम देसर बाबड़ी जो है रा पश्चिमी राजस्थान की ठीक है पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बाबड़ियों में मानी जाती है क्या मानी जाती है प्राचीनतम बाबड़ी मानी जाती है यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे प्राचीन बाबड़ी है उसका नाम क्या है कोडम देसर बाबड़ी क्या नाम है कोडम देसर बाबड़ी या कोडम दे बाबड़ी जिसे कहते हैं माता के नाम पर बनाई गई थी और माता के नाम पर ही यहां पर भी आ, कोडम देसर नामक एक नगर बसाया गया कस्बा बसाया गया था बीकानेर में, ठीक है तो यह बात हो जाती है हैं, वो आप देख एक बार दोबारा से मंडोर से राजधानी कहां पर बनाई थी मेहरानगढ़ ठीक है जो कि लगभग अंत समय तक मेहरानगढ़ ही राजधानी चलती है ठीक है चौदह में आ, इसे राज्य के हाथ से चला गया था इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और आवल बाबल की संधि इसी आवल बाबल की संधि में शामिल था चौदह में मंडोर दुर्ग में इसका क्या होता है राज्याभिषेक होता है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जोधपुर नगर बसाया था ठीक है तो ये चीजें किसके बारे में आती हैं राब जोधा के बारे में ठीक है एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं